चौबे जी चले थे छब्बे जीवन ने, दुबे जीवन कर लौटे हैं। यही हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये भी गए थे छब्बे जीवन ने, दुबे जीवन कर लौटे हैं। जब आप किसी देश के साथ अच्छे रिश्ते होने का दावा करते हैं ना, तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, हर पहलू का ध्यान रखना पड़ता है कि आगे जाकर क्या हो सकता है। कनाडा के साथ जो विवाद उठ चला है, वो अब अमेरिका के साथ भी गहराता चला जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, कनाडा ने इतना गंभीर आरोप भारत पर लगाया और वो अपने नागरिक की हत्या का जिम्मेदार हमारे देश भारत को बता रहा है, इतनी हिम्मत हो गई है। और अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की दोस्ती की गाथा कई मीडिया चैनल्स गा रहे थे, अब अमेरिका ने इस गाथा के पन्नों को बंद कर दिया है, क्योंकि अमेरिका कनाडा के साथ खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी का डंका कितना बज रहा है और कितना फट चुका है ये डंका, आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कनाडा भारत के सामने आबादी के मामले में एक छोटा सा देश, आज वो भारत को ना सिर्फ लाल आंख दिखा रहा है, बल्कि लाल आंख दिखाने के साथ साथ भारत पर हत्या का आरोप लगा रहा है। सोचिए कितनी हिम्मत बढ़ गई है। कनाडा की इस शर्मनाक हरकत पर उसका साथ देने के लिए अमेरिका खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने जो कहा है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता हैं एड्रियने वॉटसन, इन्होंने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लगाए गए आरोपों को लेकर वो बहुत चिंतित हैं। आगे वो कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, यानी ये ज़रूरी है कि कनाडा की जांच आगे बढ़े और इसके दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। कनाडा किसको दोषी बता रहा है? भारत को दोषी बता रहा है। ये बात जानकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों कि खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर सिर्फ यहीं नहीं थमती। अमेरिका ने कनाडा और भारत के विवाद के बीच बयान जारी किया, क्योंकि खबर ये भी है कि अमेरिका ने कनाडा के साथ मिलकर ये पता लगाया है कि इस साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में इंडियन एजेंट्स का हाथ हो सकता है। सोचिए, अमेरिका पता लगवा रहा है। 18 सितंबर को कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो का ये बयान था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में इंडियन एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट की जा रही है, कि जांच जो है वो की जा रही है और रॉ पर हो सकता है कि बातों बातों में आरोप लगाया। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे राजनयिक को कनाडा छोड़ने का आदेश दे दिया था, जिसकी जवाबी कार्यवाही में भारत ने भी क्या किया कि कनाडा के राजनयिक को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके लिए हम भारत के साथ हैं, भारत की सरकार के साथ हैं। तो सवाल देखिए ये है कि क्या सिर्फ इतनी जवाबी कार्यवाही काफ़ी रहेगी, क्योंकि ये तो लाल आंख दिखा रहा है। जिस अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी हाथ मिलाते, गले मिलाते, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए नजर आए, आज वो कनाडा के साथ जाकर खड़े, आज वो कह रहे हैं, वो अमेरिका कह रहा है दोस्तों की जांच हो। इतना ही नहीं, मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक तो कनाडा के साथ मिलकर भारत के खिलाफ, भारत की एजेंसियों के खिलाफ जांच करवाई जा रही है। यही है विदेश नीति भैया, जान लीजिए। जो कि जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी ना, वो आंखों से थोड़ा पट्टी हटाइए, दिन के उजाले में देखिए खबर क्या है। रात के अंधेरे में बहुत कुछ छुपा दिया जाता है ना आपसे, तो आप तक ये खबर लेकर आए हैं ताकि आपको समझ में आ पाए कि आप अभी तक जो सोच रहे थे या जो जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही थी, आपके सामने रखी जा रही थी, असल में वो सच थी या वो महज एक जुमला था। ये बात आपको याद होगी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को कितना पढ़ा चढ़ाकर, कितने वाहवाही के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका स्वागत किया था। डोनाल्ड ट्रंप हार गए, बाद में उनके ऊपर कई आरोप भी लगे अमेरिका में। हालांकि वो अलग बात है कि वो अमेरिका का निजी मैटर है, लेकिन ये बात भी आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जिसका साथ देते हैं, बाद में जाकर वही भारत को धोखा दे डालता है। ये कहीं ना कहीं धोखा ही हुआ ना भारत के साथ। अमेरिका से दोस्ती की मिसाल कायम की जा रही थी, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, आप कह सकते हैं कसीदे पढ़े जा रहे थे अमेरिका और भारत की दोस्ती पर। नतीजा ये निकला है जो अभी आपके सामने है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर
जिसकी हत्या की यहाँ पर बात हो रही है, अलगाववादी आंदोलन में वो जो शख्स था, वो जो व्यक्ति था, वो शामिल था, ऐसा उसके ऊपर आरोप था। आरोप ये भी था कि खुलकर वो खालिस्तान का समर्थन करता था। और खालिस्तान आंदोलन क्या है, खालिस्तान मूवमेंट क्या है, ये शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आरोप लगता है कनाडा पर कि वो खालिस्तान समर्थकों को, जो कि भारत के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, भारत को बांटने की बात करते हैं, वो कनाडा उनके साथ खड़ा है। ऐसे समय में कनाडा को भारत, पहली बात तो कनाडा G20 के सम्मेलन में, कनाडा के जो राष्ट्र, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वो आए थे भारत, उसी के साथ साथ और भी देशों के राष्ट्रपति, और भी देशों के प्रधानमंत्री आए। जब कनाडा के राष्ट्र प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आए G20 सम्मेलन के लिए, तो वहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने तमाम देशों से भारत के खिलाफ इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाने की बात कही थी, तमाम देशों से आवाज़ उठाने की बात कही थी भारत के खिलाफ उन्होंने। ये भी खबर सामने आ रही है कि जब वो आए थे तब उन्होंने ऐसा कहा था। अब इस बात को आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मामला कितना गंभीर हो चला है, और इस समय में भारत को जो जवाब देना चाहिए वो जवाब दिया जा रहा है या फिर नहीं। दोस्तों आपकी राय क्या है, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।